चोपस्तपायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आज की बुक समरी है फेक फेक मनी फेक टीचर्स फेक असेट्स हाउ लाइज आर मेकिंग द पुअर एंड मिडिल क्लास पुअर, और जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी। क्या नाम ही काफी नहीं है कि ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े बड़े सीक्रेट्स रिवील किए हैं और बताया है कि कैसे फेक मनी फेक टीचर्स और फेक एसेट्स मिलकर हमारा जीना मुश्किल कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्रैश की गाज कभी भी अमीरों पर नहीं पड़ती, वो मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ती है। तो इससे पहले कि आपकी फैमिली किसी मुसीबत में पड़े, उससे पहले आपको ये समरी सुनकर और पढ़कर सावधान हो जाना चाहिए। आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समरी फेक बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी रास्ते पर चल रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर बेचने वाले स्टैंड पर पड़ी, जहां उन्हें तेज रफ्तार वाली गाड़ियां और खूबसूरत औरतों की तस्वीरों वाली कलरफुल मैगजीन नजर आई। रॉबर्ट उन मैगजीन की चमक दमक से बड़ा इंप्रेस हुए, पर सबसे ज्यादा इंप्रेस उन्हें जिस चीज ने किया था वो था टाइम मैगजीन का फ्रंट कवर, जिस पर हेडलाइन लिखी थी हाउ माई जनरेशन ब्रोक अमेरिका, यानी कैसे मेरी पीढ़ी ने अमेरिका को कंगाल कर दिया। ये उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जो मैगजीन में छपी थी, और ये आर्टिकल लिखा था स्टीवन ब्रिल ने। ये आर्टिकल बेबी बूमर्स जनरेशन और एकेडमिक एलीट्स के बारे में था, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करके अब वॉल स्ट्रीट में जॉब कर रहे थे। ब्रिल खुद भी एक एकेडमिक एलीट थे। उनकी शुरुआती एजुकेशन मैसाचुसेट्स के एक अमीर प्राइवेट प्रेप स्कूल डियरफील्ड एकेडमी में हुई थी। उसके बाद वो येल यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल में पढ़ने गए। ब्रिल अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अब क्योंकि मेरी जनरेशन वाले एलीट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और एक प्रोफेशनल दुनिया में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पर्सनल सक्सेस ने सोसाइटी के लिए एक गंभीर स्थिति क्रिएट कर दी है। एलीट क्लास यानी कि अमीर लोगों ने नए बिजनेस शुरू करने या ज्यादा जॉब क्रिएट करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके चलते रिस्की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स बनाए गए। ये फेक यानी कि नकली एसेट अमीरों के लिए तो तुरंत प्रॉफिट कमाने का जरिया बन गया है, पर इसकी वजह से आम जनता का पैसा खतरे में है। तो आखिर कौन है ये एकेडमिक एलीट जो बेबी बूमर्स जनरेशन से? इनमें से कुछ के नाम है बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन बेन बर्नानके। तो क्या ये उन बुरे लोगों की कोई साजिश है जो सीक्रेट तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी हमें सच से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ओबामा और बाकी के हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनके पास रुक कर सोचने का टाइम ही नहीं है, तो नतीजा ये होता है कि उनके डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। इस समरी में हम तीन तरह की फेक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक असेट्स। तो आइए एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। फेक मनी, फेक टीचर्स, फेक असेट्स। फेक मनी का मतलब है पेपर मनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। फेक मनी की वजह से ही गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर। आप पूछेंगे कैसे? तो ये 1971 की बात है, जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड के स्टैंडर्ड से हटा दिया था, और तब से डॉलर ने अपनी वैल्यू खो दी। ये बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। यानी इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस या इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई के वक्त में गवर्नमेंट जब चाहे और जितना चाहे पेपर मनी छाप सकती है। छोटे इन्वेस्टर्स जैसे कि एम्प्लॉइज या प्रोफेशनल्स ज्यादातर अपना पैसा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं,
उन्हें लगता है कि टाइम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये भी है कि आपको ब्रोकर या फंड मैनेजर की कंपाउंडिंग फीस भी भरनी पड़ेगी। फेक टीचर्स का मतलब यहाँ उन टीचर से है जिनके पास उस चीज का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं होता जो वो पढ़ा रहे हैं। यानी उनकी सारी टीचिंग सिर्फ थ्योरी और बुक्स तक सीमित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी के एक अकाउंटिंग टीचर हुआ करते थे। उन्होंने कभी अकाउंटेंट की जॉब नहीं की थी, वो बस थ्योरी में अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। जबकि ठीक इसके उल्टा रॉबर्ट के फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर एक रियल टीचर थे। आप पूछेंगे भला वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर वाकई में प्लेन उड़ा सकते थे। कियोसाकी जब पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उनके साथ प्लेन में थे और उन्हें जरूरी फीडबैक देते जा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी के टीचर्स असल में फेक टीचर्स हैं, क्योंकि वे हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाते। वो ये नहीं सिखाते कि अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम भी बनाया गया है। एलीट क्लास ने यह सब इसी तरह क्रिएट किया है कि अमीर सारे पैसे ले जाएं और बेचारा गरीब गरीब ही रह जाए। फेक टीचर्स के बारे में एक और फैक्टर है, स्टूडेंट लोन। यूएस में कॉलेज ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स लोन के बोझ के तले दबे पड़े हैं और यूएस गवर्नमेंट के लिए यही नंबर वन एसेट है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे पर यूएस में स्टूडेंट लोन लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और लास्ट में हम एक फेक एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखा हुआ आपका घर एक एसेट है? क्या आपको लगता है कि आपका रिटायरमेंट फंड एक एसेट है? तो सबसे पहले तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट वो है जिसकी वजह से आपकी कमाई होती है, जबकि लायबिलिटी का मतलब है कि आपके पैसे खर्च होंगे। तो जब आप हर महीने घर के लिए रेंट देते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है। आपका रिटायरमेंट फंड भी एक लायबिलिटी है क्योंकि आप सालों साल हर महीने इसके लिए पैसे भरते रहते हैं। एलीट क्लास ने अपने फायदे के लिए कुछ अजीब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये सब उन्होंने पब्लिक के पैसों पर अमीर बनने के लिए बनाए हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या मॉर्गेज की फीस भरते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपका पैसा यूज करते हैं। और इस पैसे को वो कहां और कैसे यूज करते हैं उसके टेक्निकल टर्म्स आम लोगों को समझ ही नहीं आते। और जब डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं तो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इस तरह अमीर का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर गरीबों का सारा पैसा डूब जाता है। कियोसाकी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। डॉव जोन्स के 125 सालों के चार्ट में 1929 के बड़े क्रैश को ग्राफ पर एक छोटे से बम्प के रूप में दिखाया गया है। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम अमाउंट में पैसा शामिल रहा था। इसके कई साल बाद एक बड़ा स्पाइक 2000 के .com क्रैश को दिखाता है। इससे भी बड़ा स्पाइक था 2008 का रियल एस्टेट क्रैश, जिसमें 700 ट्रिलियन डॉलर डेरिवेटिव्स थे। लेकिन इससे भी बुरा होना अभी बाकी है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डेरिवेटिव में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट करता है। शंका जताई जा रही है कि ये क्वाड्रिलियन डॉलर डिजास्टर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है। जरा सोचिए, डेरिवेटिव्स या फेक एसेट्स का ये कितना बड़ा अमाउंट होगा, यानी एक के पीछे 15 जीरो। तो जरा सोचिए कि उस वक्त दुनिया का क्या होगा जब 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर की वैल्यू वाले डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड होगी। इसलिए कियोसाकी यहां फेक वर्ड यूज कर रहे हैं। फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक असेट्स के बारे में अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो आप और आपकी फैमिली इनसे बची रहेगी। फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको पता होगा कि जिस पैसे को कमाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है उसे कहां और कैसे लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने जब यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया था, उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी मरीन कॉर्प्स में पायलट की जॉब करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी और उन्हें काम के सिलसिले में वियतनाम भेजा गया था। उसी दौरान रॉबर्ट को अपने पिता का खत मिला जिसमें लिखा था, सावधान रहना, दुनिया बदलने वाली है। अपने पिता का खत पढ़कर रॉबर्ट को बड़ी हैरानी हुई।
उनके हाथ वॉल स्ट्रीट की एक कॉपी लगी जिसमें उन्होंने गोल्ड से रिलेटेड आर्टिकल ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं हो पाई। उन्हें बस इतना पता चला कि गोल्ड की कीमत $40 से $60 पर औंस के बीच कहीं थी। कियोसाकी के एक दोस्त थे टेड, वो भी उनकी तरह ही गोल्ड के बारे में जानना चाहते थे। दोनों दोस्त मरीन पायलट थे जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सीधे जॉब में लगे थे। दोनों को ही गोल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना तो उन्हें गोल्ड का असली प्राइस मालूम था और ना ही ये पता था कि रियल गोल्ड दिखता कैसा है। 1972 के दौरान यूएस वियतनाम की लड़ाई हारने की कगार पर था। नॉर्थ वियतनामी आर्मी साउथ वियतनामी आर्मी से लड़ने साउथ जा रही थी। कियोसाकी और टेड दुश्मन की लाइन के पीछे चले गए। उन्होंने अपने प्लेन चावल के खेतों में छुपा दिए थे। उसके बाद वो लोग गांव में गए और गोल्ड डीलर के बारे में पूछताछ की। एक नौजवान लड़का सामने आया। गोल्ड डीलर एक बूढ़ी औरत थी जिसके दांत पान खाने की वजह से लाल हो गए थे। वो औरत बांस की झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई और अपना गोल्ड दिखाने लगी। गोल्ड नगेट्स छोटे छोटे सूखी हुई किशमिश जैसे लग रहे थे और 3 इंच के डायमीटर वाले प्लास्टिक केस में रखे हुए थे। कियोसाकी ने उन्हें रोशनी में गौर से देखते हुए पूछा कि क्या ये सच में गोल्ड है? टेड ने कहा, मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि गोल्ड कैसा दिखता है। तो कियोसाकी बोले, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तभी तो हम यहां आए हैं। कियोसाकी कंफ्यूज हो गए। उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो चेक कर सके कि वो बूढ़ी औरत उन्हें गोल्ड ही दिखा रही है या कुछ और। खैर, कियोसाकी ने बोली की शुरुआत की, $40 पर औंस, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस दिन स्पॉट या गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस $55 पर औंस था। उन्हें लगा कि उन्हें डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल जाएगा, लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, स्पॉट तो स्पॉट है, इससे कम कीमत में तो मैं अपना गोल्ड हरगिज नहीं बेचूंगी। कियोसाकी ने सोचा कि वो औरत जरूर उन्हें बेवकूफ समझ रही होगी। उन्हें नहीं पता था कि गोल्ड का स्पॉट प्राइस पूरी दुनिया में सेम होता है। सच में कियोसाकी और टेड को गोल्ड के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था, और अगर वो औरत उन्हें गोल्ड के नाम पर गोल्ड पेंट करके गोबर भी बेच देती तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। ये किस्सा भी कियोसाकी की उन गलतियों में से एक है जिनसे उन्होंने सबक सीखा। उनका मानना है कि हमारे असली टीचर वो नहीं होते जो हमें स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे असली टीचर तो वो गलतियां हैं जो हम लाइफ में करते हैं। कियोसाकी के पुअर डैड बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एजुकेशन में PhD की डिग्री ली थी। बाद में वो हवाई के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड बने। पुअर डैड कहते थे कि गलतियों का मतलब है इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान होना। जैसे स्कूल में एग्जाम देते वक्त हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। इसके उल्टा रिच डैड का एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। रिच डैड का कहना था कि गलतियां ही लोगों को सीखने का मौका देती हैं। उन्होंने कियोसाकी से कहा था कि तुम सिर्फ बुक्स पढ़कर एक वर्ल्ड क्लास गोल्फर नहीं बन सकते, चाहे आपने कितने भी शॉट्स मिस किए हों तो भी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, आखिरकार आप अपनी गलतियों से सीख ही लोगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्फर बनकर दिखा पाओगे। अपनी गलतियों से सबक लेकर ही इंसान अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हु हैज अर्न योर ट्रस्ट। अगस्त 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया कि US डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला तभी तक लागू होगा जब तक कि इकोनॉमी रिकवर नहीं करती। जुलाई 1974 में US कांग्रेस ने निक्सन के खिलाफ महाअभियोग यानी अविश्वास के केस को पास किया कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और न्याय के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है। निक्सन के ऊपर वाटरगेट स्कैंडल में शामिल होने का मुकदमा दायर किया गया था। अगस्त 1974 में निक्सन ने US के प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके एक महीने बाद नए प्रेसिडेंट ने निक्सन के नाम एक माफीनामा लिखा और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए निक्सन पर जितने भी घोटाले और अपराध करने का आरोप था उन्हें उन सब से बरी कर दिया गया। तब से लेकर आज तक US के किसी प्रेसिडेंट ने वापस US डॉलर को गोल्ड का दर्जा नहीं दिया, यानी जो फैसला कभी टेम्पररी हुआ करता था वो अब परमानेंट हो गया। US डॉलर बिल्स यानी कि नोट पर ये शब्द लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम भगवान पर भरोसा करते हैं।
लेकिन भला लोगों को भगवान पर भरोसा करने को क्यों बोला जा रहा है? क्या ये उस फेक मनी की वजह से है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है, या फिर उन अमीरों की वजह से जो हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम मेंटेन करते हैं? तो कहने का क्या मतलब है, गोल्ड और सिल्वर भगवान का पैसा है और डॉलर, पीसो और बाकी करेंसी गवर्नमेंट का पैसा है, बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह लोगों का पैसा है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। गोल्ड और सिल्वर ये दो ऐसे मेटल हैं जो धरती पर काफी पुराने समय से पाए जाते रहे हैं और तब तक पाए जाते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पेपर मनी का इस्तेमाल चाइना में हुआ था टैंग डायनेस्टी के दौरान। ये लगभग 618 से 907 एडी के बीच की बात है। कई सदियों के बाद लगभग 17वीं सदी के आसपास यानी कि 17th सेंचुरी के आसपास यूरोप के कुछ देशों में पेपर मनी का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन चाइना में जब एलीट क्लास ने नए नए मॉन्यूमेंट बनाने और जंग लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा फेक मनी प्रिंट करवाना शुरू किया तो चाइनीज एम्पायर गिरने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ रोमन सभी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ही यूज कर रहे थे। फेक मनी बनाने के लिए वो लोग कॉइन्स यानी कि सिक्कों के कोनों को काट दिया करते थे। बाद में रोमन्स ने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को डीबेस करके यानी कि उसकी वैल्यू घटाकर और ज्यादा फेक मनी क्रिएट की। डीबेस करने का मतलब है प्योर गोल्ड या सिल्वर में कॉपर या निकल जैसे बेस मेटल्स की मिलावट करना। 1965 में यूएस गवर्नमेंट ने भी अपने सिल्वर कॉइन्स डीबेस करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उनके सिल्वर कॉइन्स के किनारों पर कॉपर का रंग नजर आता है। इसी दौरान कियोसाकी ने अपने होम टाउन हवाई के बैंक में जाकर अपने डॉलर बिल्स को डाइम्स और क्वार्टर में एक्सचेंज करने की कोशिश की। वो जब घर गए तो उन्होंने असली चांदी के सिक्के और जिनके किनारों पर कॉपर लगा था उन सिक्कों को छांट छांट कर अलग किया। कियोसाकी ने डीबेस्ड सिक्के बैंक को वापस किए और उन्हें भी एक्सचेंज करवा लिया। जल्दी उनके पास असली चांदी के सिक्कों का ढेर हो गया। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के दूर दराज हिस्सों में रहने वाले लोगों को हम मॉडर्न लोगों से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की पहचान है। आखिर हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट को क्या हो गया है कि हम भगवान का पैसा भी नहीं पहचान पा रहे हैं? हम अमीरों की बात का क्यों यकीन करें सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डॉलर्स पर इन गॉड वी ट्रस्ट लिखवाया है? क्यों हम उनका यकीन करें जिन्हें हम जानते तक नहीं? जब गवर्नमेंट जितनी मर्जी चाहे पेपर मनी प्रिंट करने लगती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में वीमर रिपब्लिक ने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए कई बिलियन फेक मनी प्रिंट किए थे। एक यूएस डॉलर 4.2 डॉइस या ड्यूश मार्क के बराबर था। पेपर मनी की इतनी भरमार हो गई थी कि बच्चे सड़कों पर नोटों के बंडल से खेलने लगे थे। फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने 2008 के रियल एस्टेट क्रैश के बाद ट्रिलियन डॉलर फेक मनी प्रिंट करवाई थी। तो क्या इससे ये समझे कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आखिरकार सारी पेपर मनी अपनी असली वैल्यू पर वापस आ जाएगी यानी जीरो तक? बात अगर पैसे की हो तो क्या आप अभी भी भगवान पर भरोसा रखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल रीजंस, ओन रियल गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कारण हैं कि क्यों रॉबर्ट कियोसाकी के पास गोल्ड और सिल्वर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, क्योंकि किसी चीज का मालिक होने में और उसे इन्वेस्ट या ट्रेड करने के बीच बहुत फर्क होता है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर कियोसाकी का पहला कारण है इंश्योरेंस। वो पैसे कमाने के लिए गोल्ड या सिल्वर नहीं लेते बल्कि वो इसे अमीरों और उनकी खुद की बेवकूफी के खिलाफ एक इंश्योरेंस की तरह समझते हैं। सच कहें तो रॉबर्ट को अमीरों पर भरोसा ही नहीं है। बाकी अमीर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं, इसलिए वो कभी मान ही नहीं सकते कि उनसे भी गलती हो सकती है। अमीर बड़े ही प्रोटेक्टेड दुनिया में रहते हैं, उनके बच्चे सेम अमीर स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं और उनका सोशल सर्कल आपस में ही सीमित होता है। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के लोगों की भलाई कर रहे हैं लेकिन असल में वो आम लोगों से बहुत दूर होते हैं। ये अमीर बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स करते हैं, उन्हें आम जनता की नजर में अच्छा दिखना होता है,
अपनी एक इमेज मेंटेन करनी होती है, इसलिए ऐसे सोशल इवेंट्स के जरिए वो गरीबों को बचाने के नाम पर लाखों करोड़ों की फंडिंग इकट्ठा करते हैं। लेकिन कोई ये तो बताए कि गरीबों को इनके हाथ से कौन बचाएगा? ये अमीर पैदाइशी अमीर और बहुत एजुकेटेड होते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है जो उन्हें और भी अमीर बनाता जाता है। अब उनके इस सिस्टम की वजह से आम जनता अगर पिसती है तो पिसे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि स्टीव ब्रिल ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि एलीट्स की पहुंच कानून से भी ऊपर है। वो अपने लिए बेस्ट लॉयर्स हायर कर सकते हैं जो उन्हीं के साथ अमीर स्कूलों में पढ़े होते हैं। यानी अमीर आदमी अगर गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ भी करे तो उसे कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि कानून उसकी मुट्ठी में है। आप जानते हैं अमीर गरीबों की जिंदगी से कैसे खेलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करके, जैसे डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। कियोसाकी का कारण नंबर दो है कि गोल्ड और सिल्वर में जीरो रिस्क। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस इसीलिए ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि पेपर मनी ऊपर नीचे होता है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आरओआई यानी कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे के साथ रिस्क ले रहे हैं। लेकिन कियोसाकी कभी भी अपना गोल्ड या सिल्वर ट्रेड नहीं करते, वो बस उसे खरीदते हैं और दूर देशों के प्राइवेट बैंक में जमा करके रख देते हैं। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा के लिए अपने स्टॉक्स होल्ड करके रखते हैं, कियोसाकी भी अपने गोल्ड और सिल्वर को हमेशा के लिए होल्ड करके रखते हैं। आप शायद यकीन ना करें पर असल में बैंक्स रिस्की होते हैं। कियोसाकी भी पहले पहले अपने बिजनेस कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म कैश बैंक में जमा किया करते थे, लेकिन वो अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ कभी भी बैंक में जमा नहीं करवाते। बैंक असल में चाहते हैं कि लोग उनसे लोन लें और क्रेडिट कार्ड यूज करें। सेविंग करने वालों से उन्हें कोई कमाई नहीं होती है। असल में बैंक की कमाई बोरोवर्स यानी कि उधार लेने वालों से होती है। 2008 के रियल एस्टेट क्रैश में यही तो हुआ था। सब प्राइम बोरोवर्स या गरीब और मिडिल क्लास अमेरिकन्स ने घर खरीदने के लिए बैंक से पैसा उधार लिया था जो वो असल में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बैंक ने उन्हें खुशी खुशी लोन दे दिया था और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को मॉर्गेज बेच दिया था। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने इन हजारों सब प्राइम लोन्स को पैकेज करके उन पर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का लेबल लगा दिया। उन्होंने इन एमबीएस को गवर्नमेंट पेंशन प्लान, इन्वेस्टमेंट फंड्स और बाकी भोले भाले लोगों को बेच दिया था। हर किसी को सिक्योरिटी की फीलिंग देने के लिए अमीरों ने इंश्योरेंस पॉलिसी या क्रेडिट कार्ड स्वैप्स खरीद ली। वो इसलिए अमीर होते गए क्योंकि वो हर जगह से फीस कलेक्ट करते हैं। और फिर जब ये सब प्राइम बोरोवर्स लोन नहीं चुका पाए तो सब कुछ डूब गया। इस चक्कर में लाखों अमेरिकन्स ने अपना घर बार, नौकरी, जमा पूंजी और अपना फ्यूचर खो दिया। अभी कुछ ही सालों पहले तक यूएस गवर्नमेंट कर्जे में डूबी हुई थी और टैक्स पेयर अभी तक अपनी जेब से बैंकर्स के बोनस भर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद किसी को कोई सजा नहीं मिली। अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, मॉर्गेज ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और वॉल स्ट्रीट के एलीट्स, ये वो लोग हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद भी पकड़े नहीं गए और सारा पैसा भी हड़प गए। अब ये डेरिवेटिव्स आखिर क्या चीज है? हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपके पास एक संतरा है। आप जब इस संतरे का आधा हिस्सा निचोड़ोगे तो जूस निकलेगा। असल में ये जूस ही संतरे का डेरिवेटिव है। और जब इस जूस से पानी अलग करने के बाद जो बचेगा वो है कॉन्सेंट्रेटेड संतरे का जूस, यानी संतरे का एक और डेरिवेटिव। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पब्लिक के पैसे से बनाए गए डेरिवेटिव्स हैं। जब लोग अपने होम लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं तब अमीर बहुत पैसा कमाता है। पहले भी यही होता था और आज भी यही हो रहा है। कहीं कुछ नहीं बदला। जिन अमीरों की वजह से 2008 का क्रैश हुआ था वो आज भी उसी तरह से फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बनाते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सेविंग बैंक में सेफ है? यूएस गवर्नमेंट एफडीआईसी या फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कमाती है। एफडीआईसी $250,000 तक का इंश्योरेंस देती है। मान लो अगर बैंक कभी दिवालिया हो जाए तो आपका पैसा तब भी बचा रहेगा, लेकिन उसी सूरत में जब वो अमाउंट $250,000 के बराबर या उससे कम हो। अगर आपकी सेविंग्स $1 million है
तो बैंक इसका सिर्फ एक चौथाई ही लौटा पाएगा। कियोसाकी बैंक या गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अपना गोल्ड और सिल्वर प्राइवेट गार्ड की निगरानी में प्राइवेट तिजोरी में रखना पसंद करते हैं। एक बार कियोसाकी सिंगापुर के एक प्राइवेट वॉल्ट यानी कि तिजोरी में गए, जहां उन्होंने देखा कि मेन एयरपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट रनवे पर एक प्राइवेट जेट उतरा। दो हथियारबंद गार्ड्स जेट के पास गए और प्लेन के अंदर से लॉक किए हुए स्टील के बॉक्स निकाले गए। उन्होंने कुछ पेपर साइन किए और उन बॉक्स को प्राइवेट वॉल्ट में लेकर गए और वो जेट अपना इंजन बंद किए बगैर ही जैसे आया था वैसे ही वापस उड़ गया। इस बारे में फिर से इमेजिन कीजिएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हाउ टू कैच अ लॉट ऑफ फिश। क्या आप अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है उसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं? असल में लोगों को रियल फाइनेंशियल एजुकेशन कभी दी ही नहीं जाती। हमें उम्र भर अंधेरे में रखा जाता है। हम उन मछलियों की तरह हैं जो कीचड़ में तैर रही हैं। ये अमीर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, ये गवर्नमेंट और ये वॉल स्ट्रीट के शिकारी हमारा शिकार करते हैं। कियोसाकी जब स्टूडेंट थे तो एक बार उन्होंने अपने एलिमेंट्री टीचर से पूछा, हमें पैसों के बारे में कब पढ़ाया जाएगा? कियोसाकी का सवाल सुनकर टीचर हैरान रह गए। उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। साथ ही उन्होंने कियोसाकी से कहा कि वो अपने डैड से जाकर ये सवाल करे, क्योंकि वो एजुकेशन के हेड थे। पुअर डैड ने तो साफ कह दिया कि उनका स्कूली पढ़ाई पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो भी कियोसाकी के टीचर की तरह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए उनकी तरह ही हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इनकम और एक्सपेंस के बीच क्या फर्क होता है। एसेट और लायबिलिटी किसे कहते हैं, या कैश और कैश फ्लो क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल आईक्यू ना के बराबर होता है। एसेट वो होता है जो आपको कमाई करके देता है, और लायबिलिटी उसे कहते हैं जिस पर आपके पैसे खर्च होते हैं। 2008 के क्रैश में न जाने कितने लोगों का घर बार चला गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका घर एक एसेट है। लेकिन सच तो ये है कि उनका घर एक लायबिलिटी था, क्योंकि घर की वजह से पैसा उनके पॉकेट से बाहर जा रहा था। रियल एस्टेट ब्रोकर्स घर खरीदने वालों से कहते हैं कि आपका घर एक एसेट है। फाइनेंशियल प्लानर्स अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड एक एसेट है। अब जरा आप ही सोचो, क्या ये वाकई में सच है? चलो एक सिंपल डायग्राम की मदद से इस कीचड़ के पानी को साफ करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा असल में कहां जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि दो रेक्टेंगल हैं, जो एक के ऊपर एक है। इनमें से पहला वाला रेक्टेंगल एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। ये दो हिस्सों में बटा है। इसके ऊपर वाले पार्ट में इनकम है और नीचे वाले पार्ट में एक्सपेंसेस। और जो दूसरा रेक्टेंगल है वो एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। ये भी दो हिस्सों में बटा है। इसका लेफ्ट साइड असेट्स के लिए है और राइट साइड लायबिलिटीज के लिए। अब पहला रेक्टेंगल आपका इनकम स्टेटमेंट है और दूसरा रेक्टेंगल आपका बैलेंस शीट। तो अब हम कैश फ्लो देखेंगे। जो टैक्स आपकी इनकम से कटता है वो आपका एक्सपेंस हो गया। ये पहले रेक्टेंगल के नीचे वाले पार्ट में आएगा। आपका रिटायरमेंट फंड या 401k जो यूएस में असेट के रूप में लिस्टेड है, ये दूसरे रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में आता है। आपका घर जो लोन पर है वो लायबिलिटी के पार्ट में आएगा, यानी दूसरे रेक्टेंगल के राइट साइड में। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आपका रिटायरमेंट फंड वॉल स्ट्रीट को जाता है और आपके घर का लोन बैंक को जाता है। कुल मिलाकर आपका सारा पैसा एक असेट तो है, पर आपके लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट, वॉल स्ट्रीट और बैंक्स के लिए। और इसी बीच अमीर यानी कि एलीट्स का बहुत अलग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता है। टैक्स और डेट उनके एसेट है। वो अपना पैसा वापस इन्वेस्ट करते हैं और बदले में और पैसा कमाते हैं। चार ऐसे बड़े कारण हैं कि क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं होते। पहला, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि गलती करना उन्हें स्टूपिड बनाता है। स्टूडेंट्स को स्कूल में गलती करने से रोका जाता है, लेकिन असली जिंदगी में गलतियां अमीरों को और अमीर बना रही हैं। एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि चीटिंग करना बुरी बात है। वो एग्जाम के दौरान अपने क्लासमेट्स की हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन असली जिंदगी में चीटिंग का मतलब है हेल्प मांगना। बिजनेस और इन्वेस्टिंग टीम्स बनाकर ही की जाती है। अमीर लोग सक्सेसफुल होने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं,
और साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि एवरेज इंसान अकेला काम करता है। एक एम्प्लॉई जो इन्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर हो जो उसे एडवाइस दे सके, लेकिन असल में ये एडवाइस कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, बल्कि एक सेल्स पिच होती है। तीसरा, डेट या लोन अमीरों को और अमीर बनाती है। आपको डेट से छुटकारा पाना होगा। बैंकर्स लोगों को लोन देने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे उनकी कमाई होती है। आप कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या होम लोन के तौर पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। आपका यही उधार जो आपके सिर पर बोझ है, वही अमीरों के लिए एक असेट और पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। चौथा, ये एक सच्चाई है कि अमीर आदमी कभी टैक्स पेयर नहीं होता। इस बुक का ये आइडिया सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पार्ट है। लेकिन क्या आपने कभी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड या पुअर डैड पढ़ी है? उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। एक पेपर पर क्रॉस इमेजिन कीजिए। इसका हर सेक्शन चार तरह के लोगों को दिखाता है। यह है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय 40% टैक्स देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह 60% टैक्स देते हैं। वहीं बिजनेस ओनर्स करीब 20% टैक्स भरते हैं और इन्वेस्टर्स 0% टैक्स पे करते हैं। पूरी दुनिया में टैक्स लॉ लगभग सेम ही है। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स कम टैक्स भरते हैं क्योंकि वो वही करते हैं जो गवर्नमेंट करवाना चाहती है। गवर्नमेंट बिजनेस और इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस है जो अमेज़न की तरह हजारों जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट आपको बिग टैक्स ब्रेक्स ऑफर करेगी। तो शहर आपको बिग टैक्स ब्रेक्स ऑफर करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके शहर में भी अपना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट आपको ऑफिस खोलने के एवज में टैक्स में छूट देती है। तो देखा आपने, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टॉक ब्रोकर बनने की जरूरत नहीं है। रियल फाइनेंशियल एजुकेशन सिंपल है। अमीर बस इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वे पानी को इतना मैला कर देते हैं ताकि वो बेशुमार मछलियां पकड़ सके। लाखों लोग जॉब करने के लिए पढ़ाई करते हैं, टैक्स पे करते हैं, घर खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह से अमीर सारा पैसा अपनी जेबों में भर लेते हैं। तो अगर आपको इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हिस्से से बाहर निकलना है, तो आपको गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने एक्सपीरियंस से सीखो और याद रखो कि बिजनेस एक टीम वर्क है। आप ऐसे लोगों के साथ टीम बना सकते हो जिनके विजन आपसे मिलते हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचो जिन्होंने आज की सबसे सक्सेसफुल कंपनियां खड़ी की। उनमें से कुछ के नाम हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी, रिचर्ड ब्रैंसन। इन सब में एक कॉमन बात है, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इनके पास ऐसी असली फाइनेंशियल एजुकेशन थी जिसके दम पर इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आइए नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं रिटायरमेंट फंड्स। 1974 में रॉबर्ट कियोसाकी मरीन कॉर्प से डिस्चार्ज हुए। उन्होंने पूरे 9 साल मिलिट्री में सर्विस की थी, लेकिन पुअर डैड कियोसाकी के डिसीजन से खुश नहीं थे। उनका सपना था कि उनका बेटा मरीन कॉर्प्स में अगले 2 दशक तक जॉब करे और रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी बिताए। कियोसाकी की फैमिली में दोनों साइड में ऐसे रिश्तेदार थे जो सालों साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद बड़े आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे। कियोसाकी के 2 अंकल थे जो उनकी माँ के साइड से थे और हवाई में फायर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। वो लोग 20 साल तक जॉब करने के बाद अब पेंशन लेते थे। उनके अंकल जो अभी 40 के ही थे, रिटायर होने के बाद भी उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने खाली टाइम में या तो फिशिंग करते या गोल्फ खेलने चले जाते। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर से गोल्ड का वैल्यू हटा दिया था, और तभी से लोगों का पैसा अमीरों के पास जाने लगा था। 1974 में, उसी साल जब कियोसाकी ने मरीन कॉर्प्स छोड़ा, तो यूएस गवर्नमेंट ने एरिसा यानी कि एम्प्लॉयज रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटीज एक्ट लागू किया। इसका मकसद एम्प्लॉय की पेंशन को सुरक्षित करना था।
इसके 4 साल बाद एक और रिटायरमेंट प्रोग्राम 401K लागू किया गया। एरिसा और 401K के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑटोमेटिकली उन आम आदमियों और औरतों को चुन लेता है जिन्हें इन्वेस्टर बनने का कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं। जिस पैसे के लिए वो हर महीने और हर साल मेहनत करते थे वो काट पीट कर रिटायर फंड में जमा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स लोगों के करोड़ों रुपए कलेक्ट करते हैं और डेरिवेटिव्स क्रिएट करते हैं। बैंकर्स और वॉल स्ट्रीट के ब्रोकर्स दिन ब दिन अमीर होते चले जाते हैं और जब ये डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड होते हैं तो लोग अपनी पेंशन मनी से हाथ धो बैठते हैं। सैन डिएगो शहर के पास अपने एक्टिव और रिटायरमेंट एम्प्लॉयज को देने के लिए $6.25 बिलियन पैसे कम पड़ रहे हैं। न्यू जर्सी स्टेट के पास $90 बिलियन वैल्यू के अनफंडेड पेंशन पड़े हैं। यूएस की सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर में $1 ट्रिलियन की अनफंडेड लायबिलिटीज हैं। यहां तक कि यूरोप में भी यही हाल है। यूके के पास $1 ट्रिलियन की अनफंडेड पेंशन है। स्पेन में सोशल सिक्योरिटीज रिजर्व फंड को काफी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया था जिसका रिटर्न है -0.9%। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। इटली में भी एक ऐसा एक्टिव टाइम बॉम्ब बन चुका है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तब तो सिचुएशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा और दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। July 27, 2018 में राइटर्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें एक फैक्ट्री वर्कर रॉबर्टा डेल के बारे में बताया गया था। रॉबर्टा 46 यानी कि 46 ईयर से एक ही कंपनी में काम करती आ रही थी। ये एक फैमिली बिजनेस था जिसका नाम था स्पैंजलर कैंडी कंपनी जो ओहायो में था। यहाँ रॉबर्टा लॉलीपॉप और कैंडी बनाने का काम करती थी और उसे अपना काम बेहद पसंद था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे कोई पेंशन नहीं मिलने वाली थी। सेंट्रल स्टेट्स पेंशन फंड जो उसकी कंपनी ने 1972 में ज्वाइन किया था 10 सालों में बंद होने वाली थी। ये पेंशन फंड एक मल्टी एम्प्लॉयर फंड था यानी इसके अंडर कई कंपनियां साथ मिलकर अपने एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट फंड प्लान करती थी। सेंट्रल स्टेट्स 4 लाख एम्प्लॉयज यानी कि 4 लाख एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट फंड कवर करता था जो रिटायर हो चुके थे या रॉबर्टा की तरह एक्टिव वर्कर थे। लेकिन फाइनली जब ये सारा सिस्टम दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा तो 4 लाख लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई डूब गई। रॉबर्टा को उम्र भर यही लगा कि रिटायरमेंट के बाद उसे जो पेंशन मिलेगी उससे वो आराम की जिंदगी गुजारेगी। ये पैसा ही उसकी सारी जमा पूंजी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ओहायो में कांग्रेस कमेटी की तहकीकात के दौरान यह खुलासा हुआ कि करीब 1400 मल्टी एम्प्लॉयर ऐसे पेंशन प्लान हैं जो 10 मिलियन से ज्यादा रिटायर्ड लोगों को कवर करते हैं। हालांकि इनमें से 200 पेंशन प्लान सेंट्रल स्टेट की तरह बुरी तरह से अंडरफंडेड थे। ये सब 2000 और 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश का नतीजा था। ऊपर से एक और मुसीबत ये थी कि पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी PBGC जो इन मल्टी एम्प्लॉयर पेंशन प्लान्स को इंश्योरेंस देती थी वो भी आने वाले एक दशक के अंदर बंद होने वाली थी। PBGC एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्ट्रगलिंग पेंशन प्लान को बैकअप देने का काम करती है। लेकिन अब जबकि ये खुद ही दिवालिया होने की कगार पर है, शेयर बाजार में क्रैश होने के कारण ये अगले कुछ सालों में दिवालिया भी हो जाएगा। रॉबर्टा 65 साल की विधवा औरत थी। उसके पति भी पहले उसी कंपनी में काम किया करते थे जिसमें वो करती है। रॉबर्टा के रिटायरमेंट में कुछ ही साल बाकी थे जिसके बाद उसे $1200 का पेंशन चेक और $1400 की सोशल सिक्योरिटी मिलनी थी। लेकिन अब जबकि पेंशन फंड बंद होने जा रही थी और यूएस की सोशल सिक्योरिटी अंडर फंडेड थी तो रॉबर्टा को शायद कुछ ना मिलने की उम्मीद थी। हो सकता है कि उसे कुछ भी ना मिले, ना पेंशन ना सोशल सिक्योरिटी का पैसा। और इतना सब सुनने और समझने के बाद, पढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जिसे हम कहते हैं कंक्लूशन, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा सुना उनके की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो इस समरी में सबसे पहले आपने फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक असेट्स के बारे में जाना। पेपर मनी फेक मनी है क्योंकि इसे आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मुसीबत आई तो गवर्नमेंट और नोट छाप देगी। यहाँ तक कि हमारे टीचर्स और स्कूल्स भी फेक हैं।
क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता। अमीर लोगों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया है कि उनके सिवा कोई और अमीर बन ही नहीं सकता। आपका घर गिरवी है, आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक बैलेंस और रिटायरमेंट फंड सब कुछ फेक असेट्स हैं। स्टॉक मार्केट अगर कभी क्रैश हो गया तो ये सब एक झटके में उड़ सकता है। दूसरी चीज जो आपने समझी वो ये कि गोल्ड और सिल्वर भगवान का पैसा है, डॉलर और बाकी करेंसी गवर्नमेंट का पैसा है। आपने ये भी जाना कि चाइनीज एलीट क्लास ने मॉन्यूमेंट्स बनाने और जंग लड़ने के लिए पेपर मनी प्रिंट किया करते थे। रोमन एलीट्स अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में कॉपर और निकल की मिलावट कर उसकी वैल्यू को कम कर देते थे। यूएस गवर्नमेंट ने 2008 के क्रैश के बाद ट्रिलियन यानी कि खरबों नकली पेपर मनी प्रिंट करवाए थे। इससे ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर अमेरिकन को क्यों कहा गया कि भगवान पर भरोसा करो। तीसरा, आपने जाना कि क्यों कियोसाकी गोल्ड और सिल्वर जमा करके रखते हैं, क्योंकि ये उनके मुताबिक एलीट्स की बेवकूफियों के खिलाफ एक इंश्योरेंस की तरह है। चाहे कैसा भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, उनके गोल्ड या सिल्वर पर आंच तक नहीं आएगी, क्योंकि कियोसाकी अपने गोल्ड या सिल्वर को ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करते। साथ ही आपने डेरिवेटिव्स के बारे में समझा, जैसे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये डेरिवेटिव्स क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें गवर्नमेंट और पेंशन फंड्स को बेच देते हैं, और जब ये डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं तो गरीब और मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चौथा, आपने ऐसे सिंपल टूल्स के बारे में जाना जो आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे। ये है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। एक रेक्टेंगल इनकम स्टेटमेंट के लिए इसका टॉप पार्ट इनकम और नीचे का हिस्सा एक्सपेंसेस है। दूसरा रेक्टेंगल बैलेंस शीट के लिए है, जिसके लेफ्ट साइड में एसेट्स और राइट साइड में लायबिलिटीज है। इस डायग्राम को पेपर पर ड्रॉ करने के बाद भरो और तब आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन साफ साफ नजर आएगी। याद रहे, एसेट्स आपको पैसा कमा कर देता है जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब खाली करती है। आपने ये भी समझा कि सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और टीम में काम करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपसे गलती हुई है तो, पर ना ही दूसरों से मदद मांगना गलत बात है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमेशा ऐसी पार्टनरशिप करते हैं जिसमें उनका फायदा है। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स एम्प्लॉयज और प्रोफेशनल्स के मुकाबले कम टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट कंपनियों को इसलिए टैक्स ब्रेक देती है ताकि वो शहर में या स्टेट में और ब्रांच खोल सके। वो इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती। और लास्ट में आपने रिटायरमेंट फंड्स के बारे में जाना। अमेरिकन्स को एरेसा और 401 के प्रोग्राम के जरिए जबरदस्ती इन्वेस्टर बनने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पैसा फंसने वाला है। कई पेंशन फंड्स अनफंडेड हैं। यूएस में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में कई ट्रिलियन डॉलर की अनफंडेड लायबिलिटीज पड़ी हैं। इस मुसीबत की जड़ है 2000 का .com क्रैश और 2008 का रियल एस्टेट क्रैश, जिसके बाद लाखों लोगों का घर बार बिक गया और वो गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। अब जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो अब आपका क्या प्लान है? खुद को एजुकेट करो, अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में और जानकारी हासिल करो। अपनी इनकम और बैलेंस शीट अपडेटेड रखो। जो चीज समझ ना आए उसमें कभी इन्वेस्ट मत करो। ब्रोकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बातों में कभी मत आना। उन्हें आपके पैसे से ज्यादा अपनी फीस की फिक्र होती है। अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर बनना आपका गोल होना चाहिए। खुद का बिजनेस होने का मतलब है कि आप सिर्फ पे चेक के भरोसे नहीं होते और ना ही आपको रिटायरमेंट फंड के लिए पे करने की जरूरत होती है। साथ ही गवर्नमेंट आपको टैक्स ब्रेक भी देती है और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आपका अपने पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। सीखो कि आप कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना एम्प्लॉय वाला माइंडसेट चेंज करके एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट बनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ आराम से रिटायरमेंट का मजा ले पाएंगे। तो इसी मोड़ पर हमें एजुकेट करती और हमारे फ्यूचर के लिए हमें वॉर्न करती ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है।